दोस्तों कहने वाले ने सही कहा था कि सच्चाई को दबाने की कितना भी कोशिश करिए आखिर जीत सच्चाई की ही होती है। वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। किस तरह योगी आदित्यनाथ को कोर्ट की तरफ से करारा तमाचा पड़ा है और मुसलमानों की जीत दिख रही है वो आप लोगों को बताऊंगा। CAA NRC को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसी के बीच कुछ नुकसान हुआ था, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ जगह जगह पोस्टर चिपका दिए थे, फोटो लगा दिए थे और कह रहे थे कि इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, और मुसलमानों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए थे कि हम पैसे लेंगे और भरपाई करेंगे, जहां पर नुकसान हुआ है हम उसका हिसाब लेंगे, एक एक करके हिसाब लेंगे। उसके बाद कोर्ट ने तमाचा, करारा तमाचा जड़ते हुए, फटकार लगाते हुए ये कहा कि ये जो आप पोस्टर लगाए हैं इसे जल्दी से हटवाइए, जल्दी से हटवाया। उसके बाद जो नोटिस जारी किया गया था वो नोटिस भी वापस लिया बिल्कुल डांट और फटकार के साथ। उसके बाद जो पैसे लिए हैं मुसलमानों से, अब कहा जा रहा है कि वो पैसे भी वापस करिए, और ऐसे आराम से नहीं, बिल्कुल डांटते हुए, फटकार लगाते हुए। फटकार डांट मतलब समझते हैं ना, कोई चीज़ अगर किसी की चीज़ कोई ले लेता है तो फैसला करने वाले आते हैं, अरे चल वापस करो, अगर वापस नहीं किया तो मैं, ये हो गया डांट फटकार। तो इस तरह योगी आदित्यनाथ को फटकार लगाते हुए कोर्ट की तरफ से ये कहा कि जो पैसे लिए हैं वो वापस करिए, जो नोटिस जारी किए हैं वो वापस लीजिए, नहीं तो हम रद्द कर देंगे। इस तरह डांटते हुए आप सोच सकते हैं भगवा कपड़ा पहनकर अपने आप को योगी कहने वाले, अपने आप को बाबा कहने वाले, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा समझने वाले को किस तरह तमाचा पड़ रहा है, किस तरह बेइज्जत हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, मुसलमानों को दोषी करार देते हुए, मुसलमानों को बदनाम करते हुए, मुसलमानों के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए वो समझ रहे थे योगी बाबा के अब हम शेर हो गए, लेकिन जैसे ही कोर्ट का लगा तमाचा तो वो ढेर हो गए। दोस्तों पूरी वीडियो, पूरी रिपोर्ट के बारे में अगर कुछ राय देना चाहते हैं तो कमेंट में जाइए, राय दीजिए। जो लोग नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।